नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, तक जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। जीवन की सबसे अद्भुत सीख दे रहा है, मनुष्यता की सबसे अद्भुत प्रमाण। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी प्रवृत्ति इंसान आज कर रहा है, उसका सारा प्रमाण, सारा सार भगवत गीता के पहले श्लोक में ही दोस्तों हमें दिखाई देता है। धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे समवेता युत्सव मम का पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे कि धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुक्षेत्र में क्या चल रहा है मेरे और पांडव पुत्र के बीच, इसके बीच में मेरे और पांडव पुत्र के। अब सोचो पांडव पुत्र का हो गए मेरे पुत्र, मतलब देखिए शुरुआत में ही बांट देना। सबसे पहली चीज दोस्तों बांट दी गई है, उनके उनकी मानसिकता समझो, वो अलग हो गए, उनके बच्चे अलग हो गए, उनकी बातों में ही वो दिखाई दे रहा है। और संजय से पूछ रहे हैं, संजय कौन है? संजय वो है जो लाइव टेलीकास्ट देखकर बता रहे हैं युद्ध क्षेत्र। अच्छा, युद्ध क्षेत्र का जिक्र नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। ये भी एक सकारात्मक नजरिया है दोस्तों की, जब यहाँ धर्म की स्थापना, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, लड़ाई कौन सी है? धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। ये समझने का दोस्तों हम प्रयास करेंगे। और सबसे पहला धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं, क्या कहता चाहते, जानना जिज्ञासा है उनके मन में कि संजय मुझे बताओ कि वहां पर क्या चल रहा है। जिस दिन आपके मन में जिज्ञासा जागृत हो गई दोस्तों कि मुझे प्रभु को पाना है, परमेश्वर को पाना है, तो देखिए आपका जीवन ही बदल जाएगा। जिस दिन जिज्ञासा बुद्ध के अंदर आ गई कि मुझे उस परम तत्व को समझना है, वो बुद्ध दोस्तों राजपाट छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं अनंत अद्भुत यात्रा पर, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और उस ईश्वर की आराधना के लिए, उस परम सत्ता परम तत्व को समझने के लिए। जिस दिन आप में जिज्ञासा आ गई, और जिज्ञासा जटिल होनी चाहिए, जिज्ञासा पुख्ता होनी चाहिए, हल्की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि नहीं भी पूरी हुई तो आप मान जाए, मानना नहीं है, जानना है और प्रयास करके जानना है। जिस दिन दोस्तों महावीर के अंदर जिज्ञासा जगी होगी, सोचिए तो कैसा रहा होगा। नानक के अंदर जिज्ञासा जगी तो कैसा रहा होगा। मंगल पांडे के अंदर जिज्ञासा जगी कि अंग्रेजों को भगाकर अब स्वतंत्र जिंदगी जिएंगे। जरा कल्पना करिए दोस्तों, जब भगत सिंह के अंदर जिज्ञासा जगी तो कैसी जगी होगी, जब गांधी के अंदर जिज्ञासा जगी तो कैसी जगी होगी, जब आपके अंदर जिज्ञासा जग जाए कि यस मुझे बड़ी गाड़ी पर चलना है, यस मुझे पैसा कमाना है, यस मुझे अच्छा स्वास्थ्य पाना है, यस मुझे परम सत्ता परम तत्व परम परमेश्वर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना है, मुझे ईश्वर का बन जाना है। जिस दिन ये जिज्ञासा जाग जाएगी दोस्तों, मार्ग एक नहीं अनंत मिलेंगे, उत्तर एक नहीं अनंत मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे, मेंटोर मिलेगा, गुरु मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली है जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर प्रश्न नहीं फूटेंगे ना, अच्छे अच्छे प्रश्न अंकुरित होना चाहिए, नित नए प्रश्न जिसके मन में जागृत होते रहते हैं, ये प्रमाण है कि उसका मस्तिष्क जिंदा है। जिस दिन आपका मस्तिष्क मर जाएगा, उस दिन आप प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिस दिन आप प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, आपके मन की जिज्ञासाएं खत्म हो जाएगी, उस दिन समझ लोगे आप एक जीवंत सांसे चल रही है लेकिन जिंदा नहीं है। यदि भगवान सांस तो चल रही है, जीवंतता खत्म हो चुकी है जिसके अंदर से जिज्ञासा खत्म हो जाए। तो जरा जिज्ञासा अपने मन में रखिए दोस्तों कि भाई पर पीड़ा आप समझ सके, लोगों की तकलीफ आप समझ, जिज्ञासा ऐसा क्या करूं कि समाज में लोगों की तकलीफों को मैं हर सकूं, जिज्ञासा ऐसा क्या करूं कि परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति दुखी है, ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग सफल है कुछ असफल है, ऐसा क्या कारण है कि अथक प्रयास के बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा है, कारण प्रश्न पूछो, जिज्ञासा। जितनी ज्यादा अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, उतनी जल्दी दोस्तों सफलता के मार्ग पर आप निकल जाएंगे, चाहे वो मार्ग आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, राजनैतिक हो, किसी भी क्षेत्र में दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हर क्षेत्र कुक्षेत्र संवेदता विश्व ममका पांडव संजय, बस जानने की जिज्ञासा रखी दोस्तों इस धर्म कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। जब वो जानना चाहते हैं तो संजय उनको सारा वृत्तांत बताते हैं। और भगवत गीता में दोस्तों इस 18 अध्याय में इसी तरह तरीके से बात की गई। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण अर्जुन के मन में क्या, अर्जुन के मन में जिज्ञासा, खूब सारे प्रश्न थे तो उत्तर भी आए, और उस उत्तर ने सिर्फ अर्जुन को नहीं तारा,
उस उत्तर ने सिर्फ अर्जुन को मार्ग नहीं दिखाया, कृष्ण के द्वारा दिया गया है वो उत्तर भगवत गीता के माध्यम से हमारी और आपकी चेतनाओं को जागृत करने का काम कर रहा है। दोस्तों जवान के मन में जिज्ञासाएं इस तरीके से प्रस्फुटित होना प्रारंभ हो जाती है तो वो जिज्ञासाएं जन कल्याण के लिए काम में आती है। हाँ, नो डाउट की नकारात्मक जिज्ञासाएं भी आती है। इस देश को खत्म करने की, आतंकवादी बनाने की जिज्ञासा, यूएन बम बन जाऊं तो 50 लोगों को कैसे मार दूं, इसी ऐसे की जिज्ञासा होती है। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर जिज्ञासाएं आप जगाएं। अगर इस धरती पर है दोस्तों और आपके अंदर सामर्थ्य है तो मेरा कर्तव्य निवेदन है कि आज से सकारात्मक जिज्ञासा अपने अंदर अवश्य जगाएंगे, ताकि आपकी उस जिज्ञासा से, आपके उस प्रश्न से न जाने लाखों लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज से एक सफल सुगत जिज्ञासा अपने मन में प्रकट करना चालू कर देंगे। सिर्फ ऐसे निष्क्रिय होकर दोस्तों नहीं बैठना है, सक्रिय रहना है। आपके अंदर ईश्वर की अनंत शक्ति है, अनंत चेतना, अनंत ऊर्जा का स्रोत है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी। आप सर्वज्ञ हैं दोस्तों, सर्वस्व आपके अंदर विराजमान है, कहीं ज्ञान नहीं है, आप ही समग्र ज्ञान के भंडार हैं। एक बार अपने आप को पहचानने का प्रयास करें और इस तरीके से ये भी जिज्ञासा है कि मैं अपने आप को जानूं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर कितनी ऊर्जा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, यही है जिज्ञासा और यही है भगवत गीता का प्रारंभ। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि प्रारंभ आपको एक अच्छा अंत जरूर दोस्तों देगा। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इस सारे ज्ञान की बातें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक की बटन प्लीज नीचे दबा दीजिए और प्लीज इस ज्ञान को 10 लोगों को जरूर शेयर कर दे, ताकि लोगों के मन में अच्छी अच्छी जिज्ञासा आ सके। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाए दोस्तों, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव सुनिश्चित हो जाए। और प्लीज बेल आइकॉन घंटी जरूर बजा दे, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो दोस्तों आप सभी को मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान नए उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, कोट कोट नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।